बीकानेर जिले के मानसी प्रखंड सेतपुर गांव के वार्ड नंबर 11 में रविवार को सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद खाने के कुछ देर बाद एक व्यक्ति का पेट दर्द की शिकायत होने के बाद 60 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को सदर अस्पताल खगड़िया भेजा गया, जहां मरीजों का डॉक्टर द्वारा इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बीमार लोगों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों का हालचाल जाना। डीएम ने डॉक्टर अस्पताल प्रबंधन को बीमारों के इलाज के लिए कई निर्देश भी दिए। बीमार लोगों के परिजनों से मुलाकात की। सैदपुर गांव के वार्ड नंबर 11 में प्रकाश शर्मा के घर भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन हुआ था, जिसमें आसपास के लोग शामिल हुए थे। पूजा के बाद लोगों ने प्रसाद खाया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। एक साथ कई लोग बीमार हो गए। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद 3 एम्बुलेंस से गांव के लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। डीएम ने अस्पताल पहुंचकर बीमारों से मुलाकात की और इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया। मानसी के सैदपुर गांव से सूचना हम लोग को लगभग 9 बजे के आसपास प्राप्त हुई। कई लोगों की जो तबीयत है अचानक से बिगड़ गई, जिसमें कि दस्त और उल्टी की शिकायत है। और जो कनेक्टिंग लिंक था वो था कि सारे लोग कल जो है कल रात को सत्यनारायण प्रभु की कहीं पर पूजा हुई, वहीं पर प्रसाद ग्रहण किया। सारे लोग का एक कॉमन लिंक हो गया। अभी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये फूड पॉइजनिंग के केस के लगभग 30 से 32 लोगों के सूचना मिली है कि और ये संख्या बढ़ भी सकती है। अभी हम लोग और आइसोलेट कर रहे हैं, वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग का सहयोग मिल रहा है केस करने में कि और कितने लोग हो सकते हैं। हो सकता है कई लोगों की जानकारी नहीं हो और उनको तबीयत खराब हो, तो यहाँ पर अब लगभग 27-28 रोगी पहुँच चुके हैं, जिनको कि ये शिकायत थी। और सभी लोगों का जो प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, जो चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को महिलाएँ भी शामिल हैं बड़ी संख्या में।